हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ तीन बची रोटी की बहुत ही बढ़िया सी एकदम नई रेसिपी शेयर करूंगी। और गारंटी है, आज से पहले ना ही तो आपने इस रेसिपी को कभी बनाया होगा और ना ही कभी खाया होगा। आप भी इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इस तरीके से हमारी बहुत ही बढ़िया रेसिपी बन करके तैयार होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो को फुल देखिएगा, स्किप बिल्कुल ही मत करिएगा। तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हम इस बाउल में 5 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। आप इसमें मिल्क पाउडर आपकी पसंद के हिसाब से किसी भी कंपनी का ले सकते हो, जिस भी कंपनी का आपको आसानी से मिल जाए। अब इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अभी मैंने 1 गिलास दूध लिया है, ये गर्म करने के बाद ठंडा किया हुआ दूध है। अभी दूध को भी इसी बाउल में डाल देंगे। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर इसमें थोड़े बहुत लम्स रह भी जाएँ तो कोई बात नहीं। अब इस रेसिपी को बनाने के लिए देखिए, मैंने 3 रोटी ली हैं। ये मैंने ताज़ा रोटी ली है, अगर आप चाहो तो इसमें बची हुई ठंडी रोटी भी ले सकते हो। अब ये देखिए, मैंने कढ़ाई ली है। अब इसमें हम 1 किलो दूध डालेंगे। ये मेरा ताज़ा दूध है, इसको मैंने गर्म कर लिया है। अब चूल्हे को ऑन कर देंगे। अब हमने मिल्क पाउडर को दूध को मिला करके रखा है, इसको चन्नी से छान करके इसमें डाल देंगे, जिससे क्या है, अगर इसमें कुछ लम्स होंगे तो चन्नी में रह जाएंगे। अभी फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे इसमें उबाल आने तक इसको बराबर चलाते रहेंगे। अगर हम इसको चलाएंगे नहीं तो दूध तले में चिपक सकता है, क्योंकि हमने इसके अंदर मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लोर डाला है। अब इसमें फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे। अब इसमें अपनी पसंद के हिसाब से बादाम की कटिंग डालेंगे। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी आपकी पसंद के हिसाब से ऐड कर सकते हो, आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं आप ले लें। अभी देखिए, मैंने करीब 4 से 5 चम्मच शक्कर ली है, इस शक्कर को भी इसमें डाल देंगे। अब शक्कर को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहो तो इसमें शक्कर की जगह मिश्री भी डाल सकते हो, आप शक्कर या मिश्री जो भी डाल रहे हैं आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। ये दूध में भी देखिए उबालाने स्टार्ट हो चुका है। अब एक एक करके रोटियों को इसमें डाल देंगे। अभी रोटी को हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, इनको हम एकदम गलाएंगे नहीं, हल्का सा सॉफ्ट होने तक ही पकाएंगे। ये रोटी देखिए हल्की से सॉफ्ट हो गई है, अब इसको हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम तीनों रोटियों को पका लेंगे। अब फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको बीच बीच में चेक करते हुए हल्का सा गाढ़ा होने तक पका लेंगे। आपको जितनी गाढ़ी रबड़ी पसंद है उसी हिसाब से इसको पका लें। इसको मीडियम फ्लेम पे पकते हुए करीब 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, और ये रबड़ी भी देखिए हल्की सी गाढ़ी हो गई है। हमें इतनी ही गाढ़ी रबड़ी चाहिए, क्योंकि ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। अब रबड़ी को हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे। अब इसको साइड में रख देंगे और ठंडा होने देंगे। अभी रोटी भी देखिए अच्छे से ठंडी हो गई हैं, और देखिए कितनी सॉफ्ट हो गई हैं। अब इनको हम तोड़ लेंगे। अब इनको थोड़ा थोड़ा करके मिक्सी के जार में ऐड करेंगे। ये मेरा जार छोटा है, इस वजह से मैं इनको 2 बार करके पीस लूँगी। अगर आपका जार बड़ा है तो आप इनको 1 बार में ही पीस सकते हो। अब ये देखिए, मैंने 1 गिलास दूध लिया है। अब इसमें हम 1/2 गिलास दूध डालेंगे। अब इनको मिक्सी की हेल्प से बारीक पीस लेंगे। ये रोटियों को देखिए मैंने बारीक पीस लिया है। अब ये पेस्ट थोड़ा गाढ़ा है, अब इस वाले दूध को भी हम इसी में डाल देंगे। अब इसको मिक्सी से 1 बार और चलाएंगे। इनको देखिए मैंने बारीक पीस लिया है, हमें इतना ही गाढ़ा पेस्ट चाहिए। अब इसको हम किसी बाउल में निकाल लेंगे।
इसमें से पेस्ट को निकालने के बाद बची हुई रोटियों को भी जार में डाल देंगे। अब इसमें हम 1 गिलास दूध डालेंगे। अब इसमें हम टेस्ट के हिसाब से शक्कर डालेंगे। हमारी रबड़ी भी मीठी है, इस वजह से इसमें शक्कर थोड़ा हिसाब से डालें। अब इनको भी मिक्सी की हेल्प से बारीक पीस लेंगे। अब इनको भी इसी बाउल में निकाल लेंगे। अब इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे। ये 1 चम्मच सौंफ है, करीब 2 से 3 चम्मच सफ़ेद तिल है। ये सफ़ेद तिल इसमें ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ले ले, वरना कोई बात नहीं, आप इनको स्किप कर सकते हो। अब 3 से 4 इलायची लेंगे, इनको कूट करके इसमें डाल देंगे। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें, जिससे क्या है मेरी सारी रेसिपीज आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। अब इसमें बाइंडिंग के लिए हम करीब 5 चम्मच मैदा डालेंगे। इस मैदे को मैंने छान लिया है, अगर आप चाहो तो इसमें मैदे की जगह गेहूं का आटा भी डाल सकते हो। अब मैदे को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी हमारा घोल बिल्कुल परफेक्ट है, हमें इतना ही गाढ़ा घोल चाहिए। अब पूरे बनाने के लिए देखिए मैंने फ्राई पैन लिया है, आप भी इसी तरीके से कोई भी चौड़ा सा बर्तन ले लें। अब इसमें अपनी पसंद के हिसाब से घी ऑयल डालेंगे, मैंने देसी घी लिया है। अब चूल्हे को ऑन कर देंगे। अभी हाई फ्लेम पे घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। ये घी भी देखिए अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हाथों में हल्का सा पानी लगाएंगे। अब घोल को देखिए इस तरीके से हाथों में लेंगे। अब इसका अपनी पसंद के हिसाब से पूरे बनाएंगे। इनको फ्राई करते वक्त फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे ही इनको फ्राई करेंगे, जिससे क्या है अंदर तक अच्छे से पके। इनको इस साइड से फ्राई होते हुए करीब 1 मिनट हो चुका है, अब इनको हम पलट देंगे। इनको पलटते हुए सब तरफ से बढ़िया से कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये पूरे देखिए सब तरफ से बढ़िया फ्राई हो चुके हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे। अब हमें जितने भी पूरे चाहिए इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब ये देखिए मैंने कुछ पीस बड़े भी बनाए हैं। अब ये हमारी रबड़ी भी देखिए अच्छे से ठंडी हो गई है। अब इनको देखिए हम इस तरीके से सर्व करेंगे, ये प्लेट में पुआ रखेंगे। अब इसमें हम रबड़ी डालेंगे। अब देखिए मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। यकीन मानिए हमारी बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनकर के तैयार हुई है, तो आप भी इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बाय, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।